हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज नुक्कड़। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं देन मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब द चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के कुछ एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, और आपको अपने आंसर का रीजन भी बताना है, ठीक है, कि अगर वो ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन को पास किया जा सकता है। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन को पास किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इससे और ज़्यादा लाइंस को पास नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने यूक्लिड्स का पोस्टुलेट पढ़ा था जिसमें था कि एक सिंगल पॉइंट से हम कितनी भी लाइंस को पास करा सकते हैं। एक सिंगल पॉइंट से हम बहुत सारी लाइंस को पास करा सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स पढ़े थे वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो तो गलत हो नहीं सकते हैं। तो फिर गलत क्या है? गलत ये स्टेटमेंट है। गलत क्या है? ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। फॉल्स क्यों हुआ? इसका रीज़न हमने दिया क्योंकि हमने यूक्लिड्स का पोस्टुलेट पढ़ा है जिसमें हम पढ़े हैं कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस को पास किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे रीज़न लिखना है। रीज़न क्या लिखना है वो अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखने लगूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, और हमको वीडियो शॉर्ट रखना है। तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट वी नो दैट फ्रॉम वन पॉइंट वी कैन पास सो मैनी लाइन्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, दो अलग अलग पॉइंट से हम बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को पास कर सकते हैं। स्टेटमेंट में तो ये लिखा है, लेकिन हमने यूक्लिड का पोस्टुलेट पढ़ा था जिसमें हम पढ़े थे कि अगर हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं, अगर हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं तो उनसे हम केवल एक ही लाइन को पास कर सकते हैं, ठीक है, उनसे हम केवल एक ही लाइन को पास कर सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट में लिखा है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम बहुत सारी लाइंस को पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को पास कर सकते हैं। तो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट बच्चे कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों है? बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट दैट फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट वी कैन पास ओनली वन लाइन थ्रू, ठीक है, हम केवल एक ही लाइन को पास करा सकते हैं, ज़्यादा लाइंस को पास नहीं करा सकते। तो ये भी स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 3 है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। एक टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं। इनडेफिनेटली का मतलब है कि हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, जितना हमारा मर्जी है उतना हम उनको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमको ये एक टर्मिनेटेड लाइन दी हुई है, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब है कि उसका एंडिंग पॉइंट भी है और स्टार्टिंग पॉइंट भी है, ठीक है, ये है एक टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब है कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट के बीच में है, ठीक है। अब स्टेटमेंट में दिया है कि हम इस टर्मिनेटेड लाइन को दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो हमने यूक्लिड्स का पोस्टुलेट पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम आगे पीछे कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स, ये हमारा यूक्लिड्स का एक पोस्टुलेट था और पोस्टुलेट यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो हमने यूक्लिड्स के पोस्टुलेट से ये प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट क्या है?
ट्रू है क्योंकि ये एक यूक्लिड्स का पोस्टुलेट ही है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अब ये रेडियाई क्या है? ठीक है, तो बच्चे रेडियस क्या है? सिंगुलर, और रेडियाई है सिंगुलर का प्लूरल। अगर हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं तो हम उसमें वर्ड यूज करते हैं रेडियस, और अगर हम एक से ज़्यादा सर्कल्स की बात कर रहे हैं तो हम वर्ड यूज करेंगे रेडियाई। ठीक है, तो रेडियाई का मतलब है प्लूरल, इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि रेडियाई क्या है। चलिए, अब इसमें दिया है कि दो सर्कल इक्वल होंगे अगर उनकी रेडियाई इक्वल है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए ये दो सर्कल्स हैं, ये दोनों सर्कल इक्वल कब होंगे? ये दोनों सर्कल इक्वल तभी हो सकते हैं जब इनकी जो रेडियस है वह इक्वल होगी। इनकी जो रेडियस है वह इक्वल होगी तभी ये सर्कल इक्वल रहेंगे। मान लो इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसकी भी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो अगर ये रेडियस दोनों की सेम है तो इसका एरिया, इसका सर्कमफेरेंस, इनकी रेडियस, इसके जो भी होते हैं वो सब इक्वल होंगे। यानी कि सर्कल की सर्कमफेरेंस, सर्कल का एरिया सब इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब ये सर्कल इक्वल होंगे। और सर्कल कब इक्वल होंगे? जब इनकी रेडियस इक्वल होगी। अगर इनकी रेडियस इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों सर्कल इक्वल हैं, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट है, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। हमको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें दिया है कि जो ए बी है वह पी क्यू के इक्वल है और जो पी क्यू है वह एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है, तो हमको दिया है ए बी इक्वल टू, इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से, हमें दिया है ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, और पी क्यू इक्वल टू क्या है? एक्स वाई है। हमने यूक्लिड्स का एक एक्जियोम पढ़ा था, एक्जियोम नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो देखिए जो पी क्यू है वह ए बी के बराबर है और ये पी क्यू एक्स वाई के भी बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो हमने कहाँ से लिखा? ये यूक्लिड्स के एक्जियोम से हमने बताया कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये यूक्लिड्स का एक्जियोम नंबर 1 है। तो इसलिए आपको यूक्लिड्स के एक्जियोम्स एंड पोस्टुलेट्स का लर्न होना बहुत ज़रूरी है, और नंबर वाइज लर्न होना ज़रूरी है कि कौन से नंबर पे कौन सा पोस्टुलेट है, जिससे कि हम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसके रीज़न वगैरह सब कुछ लिख पाए कि हमने इस वाले पोस्टुलेट से ये चीज़ें प्रूफ की है। ठीक है, चलिए जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।